हेलो एवरीवन, नर्सिंग वैकेंसी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेम ऑफ द पोस्ट है, नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट है, जिसको अपन क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि एम्स गोरखपुर के अंदर नर्सिंग कॉलेज के अंदर नर्सिंग की वैकेंसी आई है, जिसके अंदर नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4 फेब 2022 को रिलीज हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो एडवर्टाइजमेंट डेट से लेके 30 डेज तक का जो टाइम पीरियड है वो इसका दिया गया है, जो कि लास्ट डेट है। इसके बाद अपन बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल पोस्ट है वो 17 है, जो कि नर्सिंग ट्यूटर की 17 पोस्ट है, जिनमें से जनरल कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, एंड एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। ओके, इसके बाद अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। नर्सिंग ट्यूटर के लिए किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके बाद वो नर्स एंड मिडवाइफ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद उसके पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि किसी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का हो सकता है, बट नर्सिंग के अंदर टीचिंग का 3 ईयर का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। इसके बाद अपन एज लिमिट की बात कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप तक के जो लोग हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अपर एज लिमिट है इसकी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए, वो 35 ईयर है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि अकॉर्डिंग टू एम्स पॉलिसी होगा। जैसे एस एस टी के लोग हैं उनको 15 ईयर का इसके अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जो नर्सिंग ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ये जो पोस्ट है, इसके लिए बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है, जो कि लेवल 10 के पे मैट्रिक्स से, जो कि 56,100 से लेके 177,500 तक जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा एम्स के अकॉर्डिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी अलाउंस है उसके ऊपर जो भी सुविधाएं मिलती है वो भी सारी की सारी मिलेगी इसके अंदर। ओके, इसके बाद जो इसके फॉर्म अप्लाई होंगे वो किस तरीके से अप्लाई होंगे? तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन अप्लाई होंगे, ना कि ऑनलाइन अप्लाई होंगे। जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस नोटिफिकेशन के साथ में एक फॉर्म है, जो कि एनेक्स्योर फर्स्ट के नाम से है, जो कि उसके साथ अटैच है। उस फॉर्म को फिलअप करके वहां पे जो एड्रेस अभी मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पे वहां पे भेजना है। और जो ये फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि नीचे साइट दी हुई है www.emsgorakhpur.edu.in। इस साइट पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ ही वहां पे फॉरम भी उसके साथ अटैच किया है। तो वो भी फॉरम भी वहां से 6-7 पेज का फॉरम है, वो वहां से डाउनलोड करके उसको फिल करके और ऑफलाइन उसको भेजना है। और कहां पे भेजना है उस एड्रेस की बात करते हैं, तो टू द रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, कुंद्रा घाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273008, ये इसका पिन नंबर है। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहां पे भेजना है। इसके बाद सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी फॉर्म्स जाएंगे, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, उसके अंदर से जो उसके लिए इलिजिबल होंगे उनमें से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू बेसिस के ऊपर वहां पे सिलेक्शन होगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि इसके अंदर कितनी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनसे ₹1500 फीस लगेगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी ₹1500 की फीस है वो लगेगी। इसके अलावा एस एस टी के कैंडिडेट को ₹800 पे करने पड़ेंगे, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और इसी तरह की वैकेंसी अलर्ट के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी वीडियोज होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।